कप का सेट था ये भी निकाल लिए, और इसके अलावा कुछ शीशे के बर्तनों का सेट था वो भी मैंने यहाँ पर अभी निकाल लिए। तो अभी इनको खोलते हैं। अभी मैं आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट करने के बाद। ये थोड़े से बर्तन हो गए हैं तो इनको भी वॉश करते हैं, और जो कल रात को हमने वॉश करके रखे थे उनको भी सेट करके रखते हैं। ये जो हम कल चीजें लाए थे इनको भी वॉश करना है, इन बॉटल्स को भी वॉश करना है। इसके अलावा ये बॉक्सेस हो गए, इन चीजों को भी वॉश करेंगे। केचप वाली बॉटल होगी इसको भी वॉश करेंगे, और इन बाल्टियों को भी वॉश करते हैं, फिर आटा वगैरह डालते हैं। बर्तन भी जो मैंने आपको रात को दिखाए थे तो वो भी सेट करते आएगी, जो भी रूटीन होगी वो भी आप सब उनके साथ शेयर करें। यहाँ पर देखें गाइस, यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह मैंने निकाल लिए। ये कप का सेट था ये भी निकाल लिए, और इसके अलावा कुछ शीशे के बर्तनों का सेट था वो भी मैंने यहाँ पर अभी निकाल लिए। तो अभी इनको खोलते हैं और फिर इनको सेट करते हैं। मैं सोच रही हूँ ये जगह खाली है तो यहाँ पर मैं कांच के बर्तन वगैरह रख देती हूँ ऊपर और नीचे, और बाकी ये वाले बर्तन जो है ना मैं सोच रही हूँ इधर ही रख दूं मैं, क्योंकि इधर जगह है। देखते हैं सेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखें गाइस, ये सारे बर्तन जो मैंने अच्छे से कपड़ा लगा के इनका सेट भी कर दिया। मुझे ना इसकी सेटिंग ऐसी अच्छी लगी है, और गिलास जो मैंने दो ऊपर इस तरह रखे हैं, अगर मुझे ऊपर कुछ चीज नजर ना आए तो ये जो ऊपर मैंने गिलास रखे ना इनसे मुझे पता चल जाएगा कि ऊपर मैंने गिलास रखे थे, और ये प्लेटें रखी थी साथ में, और यहाँ पर मैंने कप वगैरह भी रखे हैं, और पीछे मैंने दो कप इसलिए ऊपर रखे हैं ताकि ये भी पता चल सके कि पीछे भी कप पड़े हुए हैं। बाकी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं बारिया इन बर्तनों की, तो अभी इनको भी सेट करते हैं। और इन बर्तनों को जो मैंने शॉपर में डाल के एक दूसरे के ऊपर रख दिए कि कभी भी अगर ये काम आएंगे तो हम इनको आराम से निकालेंगे। शॉपर में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये खराब ना हो जाए, मट्टी वट्टी ना अंदर चली जाए, इसलिए मैंने इनको शॉपर से कवर करके रख दिया है। अभी जो ये आटे वाली बाल्टी मैंने अंदर से निकाली थी तो ये अभी अंदर रखते हैं, उस साइड पर रखेंगे, और ये बर्तन जो बिल्कुल सामने पड़े रहेंगे। मट्टी की बाल्टी थी उसको मैंने वॉश कर लिया था तो वो सूख गई, और कपड़ा भी लगा दिए, तो अब हम इसमें डालेंगे ये वाला आटा। मुझे लगता है ये आटा आ जाएगा, अब देखते हैं। पर देखें गाइस, सारा आटा अल्हम्दुलिल्लाह से आ गया है, और बचा भी नहीं है, पूरा का पूरा आटा ही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ना मैंने जो बाल्टी चूज की थी वो सही चूज की थी। खैर अभी चलते से रखते हैं। यहाँ पर देखें आटे वाली बाल्टी भी रख दी है, और इस बाल्टी में चीनी है और वो चीनी का पूरा पैकेट पड़ा हुआ है। ये दो शॉपर जो है इसमें अम्मी के जो, और इसके अलावा वो बोतल जो सरसों के तेल के, बस ये जगह हो गया फुल, तो अब इसको बंद कर देते हैं। पर जितने भी प्याज है वो सारे मैंने इस टोकरी में डाले हैं, और इस टोकरी में सारे के सारे आ गए हैं प्याज, तो अभी इनको लेकर चलते हैं किचन में रखते हैं, और अभी जो इस पूरे रूम की सफाई करते हैं और झाड़ू वगैरह लगाते हैं। और अभी जो है मैंने पूरे किचन की भी सफाई कर ली है, चूल्हा साफ करना था थोड़ा सा तो वो भी मैंने कर दिया था, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे मैंने, और इसके अलावा जो हमने बॉक्सेस लिए थे तो वो भी मैंने वॉश कर लिए, बोतल ली थी तो वो भी मैंने वॉश कर लिया, और जो केचप वाली बोतल थी वो भी मैंने वॉश कर दिया। बाकी चीजें मैं पहले से वॉश करके सुखा ली थी, बस ये चीजें थी, मैंने कहा इनको एंड में वॉश कर दूंगी, ये भी वॉश हो गई थोड़ी तक, ये भी सूख जाएंगी, और बाकी मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। नीचे से सफाई वगैरह भी मैंने कर ली है, और अब आइए इस रूम की, तभी इस रूम की अच्छे सफाई वगैरह करेंगे, और जाले वगैरह हैं तो उनको भी अच्छे से साफ करेंगे। देखिए यहाँ पर भी जाले लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं, तो सारे जाले वगैरह भी साफ करेंगे, नीचे से भी झाड़ू वगैरह लगाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हमारी टू फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अभी तक भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, इसका सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे जल्दी से जल्दी 100K सब्सक्राइबर्स हो जाएं। अभी जब मैं फ्रेश होकर आई थी छत पर, तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से छत पर भी नहीं गई, तो अभी चल गए छत पर, और मौसम थोड़ा सा इन्जॉय करके आते हैं। और सुबह से बादल बन रहे थे, तो यहाँ पर देखें कितने प्यारे प्यारे बादल बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। अब पता नहीं क्या होता है, काले काले बादल तो बने हुए हैं। परिंदे भी देखें कितने प्यारे लगे हैं बादलों के नीचे,
और ये देखें भाई, चार मेरे से नज़र आ गए। मुझे नहीं पता, यहाँ पर अबू भी बैठे हैं तो अबू से चल के पूछते हैं कि क्या चार नज़र आ गए कि नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? अबू कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। अबू ये बताएं, चांद नजर आ गया न्यू मंथ का? बेटा अभी तो देखें बादल हैं ऊपर काले काले, कहीं से कुछ नजर नहीं आता। अबू सामने मैंने अभी देखा चांद नजर आ रहा है। अच्छा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ। मुझे तो चांद नजर आ गया है। आपको नजर है, आपके जो है नजर तेज है, हमारी थोड़ी कमजोर है ना, इसलिए शायद नजर नहीं आया। और बादल भी बने हुए हैं देखा काले काले जी, इसलिए नजर नहीं आया मुझे। और गाइस ये बादल जो है भाग रहे हैं, के मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ। गाइस बादल जो है ना भाग रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, कैमरे में ऐसा नजर आ रहा है। वो देखिए काले काले, इस तरह भी अब चल रहे हैं बादल ना। हवा इस तरह ना, ये रुख लगा हुआ है ना, हवा इस तरफ रुख है ना, बादल ये घूम के आ रहे हैं। अच्छा, सुबह बारिश हुई थी जी, अब होती है थोड़ी बहुत। अब आज है 8 अगस्त। हाँ। और आज जो है ईमान का बर्थडे भी है, वैसे रात को 12 बजे स्टार्ट हो गया था। मैंने उसे विश कर दी है। और हैप्पी बर्थडे ईमान, एक बार फिर से व्लॉग में मैं बता देती हूँ, अब वो आज ईमान का बर्थडे है। हाँ बेटा बेटा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी लंबी करे, आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, ईमान खुश रहे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी सलामत रखे जी। बिल्कुल अच्छी बच्ची है, समझदार जी। अगर यहाँ पर होते ना तो और मज़ा आता। हाँ। मेरी मम्मा बताया थे कि हम सेलिब्रेशन करेंगे, मैंने कहा अच्छी बात है, रात को 12 बजे से पहले को मैंने विश कर दिया था टाइम से, कि शिकायत का मौका ना दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। अगर इधर होती तो हम लोग कर रहे थे, मगर वहाँ उसकी बहनें थी, सब उधर रहे उसके जी। अब उसका तो वहाँ पर दिल भी लग गए। हाँ, वो ऐसे कर रही थी, उधर तो आप पता है कि जब गई है तो खुश हो गए, बहुत खुश है। चलें ठीक है अबू, आप इंजॉय करें जी। बेटा हवा बहुत ठंडी चल रही है बेटा जी। अबू असर की नमाज मैंने इधर पढ़ी है जी। असर की अजान से पहले जो है ना मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है, और आजकल तो धूप इतनी खास निकलती नहीं है, बस बादल ही सारा दिन बने रहते हैं, हवा ठंडी ही रहती है। पंजाब जाने से पहले बस जो गर्मी होती थी, अब गर्मियाँ नहीं है इतनी ज्यादा जितनी पंजाब जाने से पहले इतनी गर्मी होती थी ना, अब बिल्कुल इतनी खास गर्मी नहीं है। अब मौसम ठंडा होता है, बादल बने रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। मुझे तो लगता है गर्मियाँ जो है ना खत्म हो गए, पता नहीं आगे क्या होता है, गर्मियाँ आती हैं या फिर खत्म है। खैर अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी जो है मुझे सैलून भी जाना है और भी थोड़े बहुत काम है, तो अभी चलते हैं और आपको बताते हैं। और अब चलते हैं इस रूम में, और आज जो है ना आपको इस रूम का लुक दिखाते हैं। अभी मैंने कुछ सेटिंग वगैरह की है, मैं सोचा आप सब लोगों को भी दिखा देते हैं। और अब ये रूम बिल्कुल खाली हो चुका है, इस रूम में कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं जितना कम रहूँगी ना तो यहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजेगी। और यहाँ पर देखिए, मैंने नीचे से झाड़ू वगैरह पोछा लगाया था, और जाले वगैरह थे तो वो भी मैंने साफ़ किए थे, चीज़ें थी, प्याज रखे हुए थे, और भी बहुत सारा यहाँ पर सामान वगैरह रखा था, टेबल थी और भी बहुत सारा कुछ था जो मैंने हटा दिए। तो अब ये रूम बहुत खुला खुला सा भी है, खाली भी हो गया और साफ़ सुथरा भी हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता ही इस रूम की सेटिंग वगैरह करेंगे, इसके अलावा कलर वगैरह भी करवाना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये दाग धब्बे जो है ना बहुत ही अजीब लगे हैं दीवारों पर, ये देखें। तो ये जब कलर होगा यहाँ पर तो बहुत ही प्यारा लगेगा, कलर तो ऐसे पूरे घर में ही होगा, लेकिन जब कलर होगा, कलर होने के बाद घर में न्यू लुक आ जाएगा। तभी कैमरा पे के आपको दिखाती हूँ पूरे रूम का लुक। गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ सैलून जाने के लिए, तो अभी चलते हैं जल्दी से। और जब मास्क मैंने लगा लिया तो सैलून जा रही थी, तो मुझे शर्म आती, इसलिए मैंने मास्क लगा लिया। तो मिलते हैं आपसे सैलून पहुँच के। और अभी जो है मैं घर आ चुकी हूँ, तो ऐसे जब व्लॉग भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि 6 फ्लोर पर चढ़ते हैं, तो मेरी जन्म टांगों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं जैसे ही लेटी नींद आने लग गई है, तो मैं से व्लॉग एंड नहीं किया, तो व्लॉग भी एंड करते हैं। सैलून में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ कहीं जाती हूँ तो पहले मैं परमिशन लेती हूँ, परमिशन होती तो बना लेती हूँ, अगर परमिशन नहीं होती तो नहीं बनाती, तो अलाउ नहीं था, तो इससे मैं नहीं बनाई। तो मैं इससे जब घर जाएंगे तो घर जाके ही बना लेंगे। तो बस अभी आए घर, तो अभी जो है 6 फ्लोर जब चढ़ा मेरी टांगों में इतना ज़्यादा पेन हो रहा, बहुत ज़्यादा, और मैं उसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा, ना ही बोला जा रहा था। जब व्लॉग एंड कर ले तो उसके बाद रेस्ट करते आराम से। तो बस यही था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, तो बस यही कहते हैं आज का व्लॉग एंड। और मैं तो आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टाटा अल्लाह हाफिज़।